वहीं सारण में जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है और जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को निर्देश देने की अपील की है। जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, उनके आश्रित जो बच्चे हैं उनके सहायता के लिए हमने गुहार लगाई है। हमने आग्रह किया है माननीय अध्यक्ष जी से कि राज्य सरकार ने जिस हठधर्मिता की नीति अपनाई है और मुआवजे से इनकार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिहार के वो नौनिहाल बच्चे जो दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वो बच्चे भूख से दम तोड़ देंगे। इसलिए बाल संरक्षण अधिकार आयोग राज्य सरकार को अविलंब इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए और मुआवजा देने के लिए निर्देशित करे।